अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं बताऊं कि मैं इतने अरसे से किधर गायब थी या क्या चल रहा था जो मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस नहीं अपलोड कर रही थी बड़े रेगुलरली, जो कि मैं डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन करती थी, एटलीस्ट हफ्ते में 4 वीडियोज़ तो मेरी अपलोड होती थी। उससे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन ऑलरेडी सब्सक्राइब, एंड इफ यू सब्सक्राइब प्लीज़ हिट द बेल आइकन ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचे, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो मैं ये रीज़न बता दूँ कि यूट्यूब पे मैं इतने अरसे से कहाँ थी। द रीज़न वॉज कि मैंने पिछले साल जुलाई में नया चैनल ज्वाइन किया, आई लेफ्ट कैपिटल टीवी एट अ वेरी गुड नोट, इट वॉज अ प्लेजर वर्किंग ओवर देयर, और फिर मैंने जी टी वी ज्वाइन कर लिया। इट इज़ अ प्लेजर वर्किंग इन दिस न्यू एनवायरमेंट, इन दिस न्यू चैनल, बहुत सपोर्टिव मैनेजमेंट है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप नए चैनल में शिफ्ट करते हैं तो यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, और फिर पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ इतनी ज़्यादा टमल्टस थी कि मैं यूट्यूब को वक्त नहीं दे सकी, सारा का सारा वक्त जो है मेरा चैनल और अपने शो की तरफ था। तो शो मेरा मंडे टू थर्सडे लगता है न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार के नाम से ऑन जी टी वी। अब मैंने आज ये सोचा कि एक बार फिर रिज्यूम किया जाए अपने उस तमाम यूट्यूब के सफ़र को जिसको हमने बीच में छोड़ा था। खुद मैंने एक आधी वीडियो बीच में अपलोड की थी जो कि जगलोट्स कर्दू रोड की थी और दया वेर भाषा डैम की थी। अभी मैं बात करने जा रही हूँ पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पे, लेकिन इससे पहले कि मैं करंट सिचुएशन के हवाले से कमेंट्स पास करूँ, मैं चाहूँगी कि मैं 3rd of April जिस दिन ये तमाम सिचुएशन डेवलप हुई थी जहाँ कासिम सूरी साहब जो उस टाइम स्पीकर डेप्टी स्पीकर थे उन्होंने एक रूलिंग पास की, वो रूलिंग आर्टिकल 5 के तहत थी, आर्टिकल 5 या मेरे सामने पड़ा हुआ है, मैं उसके बारे में बात करूँगी, लेकिन पहले उस दिन क्या सूरत हाल थी क्योंकि मैं बाकायदा प्रेस गैलरी ऑफ नेशनल असेंबली में मौजूद थी, तो मैंने वहाँ कुछ वीडियो चंक्स बनाए थे, कुछ क्लिप्स बनाए थे, वो वीडियो क्लिप्स देख लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाते। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीका निसार, और नाज़रीन अभी मैं इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हूँ, नेशनल असेंबली के अंदर। नेशनल असेंबली का सेशन स्टार्ट हुआ था तकरीबन 11:30 बजे का टाइम दिया गया था, 12 बजे तकरीबन ये सेशन स्टार्ट हुआ है, और जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ है ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस पूरे हुए हैं, तो फवाद चौधरी ने रीड आउट किया कि आर्टिकल 5 के तहत लॉयल्टी टू द कंट्री, लॉयल्टी टू पाकिस्तान के तहत जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बेसिकली वैसे ही नलन हुए थे, और उसकी बदले में कासिम सूरी जो डेप्टी स्पीकर है उन्होंने असद कैसर साहब की एक रूलिंग पढ़ के सुनाई, और उस रूलिंग के अंदर ये कहा कि जी किसी भी तरीके से आर्टिकल 5 के अंदर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जायज़ नहीं है। उसके बाद अपोजिशन काफ़ी हक्का बक्का रह गई, मेरे कुछ अपोजिशन के मेम्बरान से बात हुई और उनका ये कहना था कि वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया जाएगा बकौल उनके, लेकिन ये काम होने के बाद अपोजिशन ने ये डिसाइड किया। काफ़ी देर तक सारे लॉबी के अंदर इंतजार करते रहे कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। अभी मैं प्रेस गैलरी में मौजूद हूँ, पीछे मेरे नेशनल असेंबली की ओपन डिवीजन चल रही है। इससे पहले कि कुछ अहवाल बता देती हूँ कि फिर तमाम के तमाम अपोजिशन ने ये डिसाइड किया कि हम लोग अब जो है सेशन खुद लीड करेंगे और सेशन को आगे लेकर चलेंगे क्योंकि हमारे पास मेम्बरान काफ़ी है। उसके बाद यहाँ तमाम के तमाम अपोजिशन के मेम्बरान आकर बैठ गए। मेम्बरान बैठने के बाद स्पीकर बनाया गया जी अयाज सादिक साहब को। अयाज सादिक साहब ने प्रोसीडिंग जो कि इनफॉर्मल प्रोसीडिंग कह लें या मतलब उसको कोई एज सच कोई पर्पज लीगल पर्पज़ तो नहीं है, लेकिन ये दिखाना चाह रहे हैं हुकूमत को कि हम लोगों के पास मेम्बरान काफ़ी हैं। उसके बाद काउंटिंग हुई, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब ने काउंटिंग की और वो काउंटिंग के अंदर 195 मेम्बरान इधर मौजूद थे। अब जो हो रहा है तमाम के तमाम मेम्बरान पहले खड़े हुए, उनको काउंट किया गया, उनकी काउंटिंग करने के बाद अब वो जाकर ओपन डिवीजन कर रहे हैं। ओपन डिवीजन के अंदर हर मेंबर पार्लियामेंट जाकर अपना वोट रजिस्टर करवाएगा, और यहाँ 195 मेम्बरान। इससे पहले जब ट्रेजरी बेंचेस थे तो उस टाइम पे डिसेंट किए हुए पीटीआई के अराकीन मौजूद नहीं थे, लेकिन अब जो है वो डिसेंट किए हुए पीटीआई के मेम्बरान भी मौजूद हैं। नाराज़ अराकीन के साथ साथ जो इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे वो भी मौजूद हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ, आप अगर देखें तो सारे के सारे मेम्बरान जाकर अपना वोट रजिस्टर करवा रहे हैं। ये बड़ी इनफॉर्मल सी सिचुएशन, कुछ अजीब सी सिचुएशन हो गई, और इसके बाहर हमें पार्लियामेंट के बाहर से जो खबरें आ रही हुई है कि कैबिनेट डिसॉल्व कर दी गई है, काबीना के डिसॉल्व करने के बावजूद वजीर आजम उधर ही मौजूद है, और अब जो है वो वोटिंग इलेक्शन बाकायदा इलेक्शन इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर होंगे। अभी 90 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि देखिए आज जो है वो अप्रैल की शुरुआत है, अप्रैल के बाद मई के बाद जून, इन 3 महीनों के अंदर अंदर वोटिंग होनी है, इलेक्शन होना है, और ये जो इलेक्शन हैं इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इसके फ़ौरन बाद बजट होगा। तो क्या बजट जो है वो नई हुकूमत बनाएगी,
क्या होने वाला है, दिस इज वेरी अनसर्टेन टाइम फॉर पाकिस्तान एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो वो सूरत हाल जो उस टाइम पर नेशनल असेंबली में हुई वो तो आप लोगों ने मुलाहिजा कर ली, लाइटें ऑफ कर दी गई, अपोजिशन ने अपना एक अलग से इजलास वाला बुलाना शुरू कर दिया, उसके बाद ओपन डिवीजन करना शुरू कर दी. गवर्नमेंट के जो उस टाइम पे वफाकी वजीर बराए कानून एक दिन के लिए थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया. अब आर्टिकल 5 कहता क्या? आर्टिकल 5 कहता है लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ. लॉयल्टी टू स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. Obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be or of every other person for the time being within Pakistan. Jo shakhs Pakistan ke andar hai ya Pakistan ka citizen hai usko ye baat important hai, incumbent hai uske upar ke wo constitution of Pakistan aur law of Pakistan ko follow kare. Uske baad surat-e-haal article 224 ke hisab se elections ki taraf chali gayi, parliament dissolve ho gayi, article 58 1 के तहत पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी गई. प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर के कहने पर जब पार्लियामेंट डिसॉल्व की तो उसके बाद फिर आर्टिकल 224 के तहत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया जब तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं डिसाइड हो जाते. तो आर्टिकल 224 के अंदर ये बड़ा वाजे लिखा हुआ है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली ऑन द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म और इन केस ऑफ इट इज डिसॉल्व अंडर आर्टिकल 58 और अंडर आर्टिकल 112 द प्रेसिडेंट और द गवर्नर एज द केस मे बी शैल अपॉइंट अ केयर टेकर कैबिनेट provided that the caretaker prime minister shall be selected by the president in consultation with the prime minister and the leader of the opposition in the outgoing national assembly and a caretaker chief minister shall be appointed by the governor in consultation with the chief minister and the leader of opposition in the outgoing assembly provided further that the members of the federal and provincial caretaker cabinets shall be appointed on the advice of the caretaker prime minister or the caretaker chief minister as the case may be. तो सूरत हाल कुछ इस तरह की बन गई है कि पाकिस्तान के अंदर दो धड़े हो गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस डेवलप हो गया पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि एक धड़ा कहता है कि आर्टिकल 5 का बेजा इस्तेमाल किया गया, ये तरीकाकार ही नहीं था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आई जाए, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिस्कस करने के लिए एक और जो बिजनेस है उसको आप उठा लें जो कि आर्टिकल 5 का है, उसकी स्पीच की जाए और बगैर उसके ऊपर डिबेट कराए डेप्टी स्पीकर रूलिंग पास कर दें. दूसरा धड़ा ये कहता है कि क्योंकि एक आलमी साजिश हो रही है और आलमी साजिश के अंदर अमरीका इन्वॉल्व है तो इसीलिए ये बात मुल्की और स्टेट की सालमियत के हवाले से बनती है, इसीलिए बिल्कुल जायज़ है. अब मैं इस डिस्कशन में पड़े बगैर, क्योंकि ये मामला सब जूडिस है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ये मामला आगे चलेगा और इसका एक्सपेक्टेड ये है, जो मेरी वकला से बात हो रही है और वो समात के हिसाब से बता रहे हैं, एक्सपेक्टेड ये है, तो ये की जा रही है कि गालिबा जुम्मे के दिन हो सकता है कि इसका फैसला आए या फिर एटलीस्ट समात कम्प्लीट हो जाए और उसके बाद फिर फैसला अगर उन जजेस ने जो है वो सेव करना है, महफूज करना है या फिर लेकर आना सामने. अब यहाँ आर्टिकल 6 की बात भी हो रही है. आर्टिकल 6 है हाई ट्रीजन के हवाले से, गद्दारी के हवाले से, और गद्दारी के बारे में ये आर्टिकल कहता है कि एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स और सस्पेंड्स और होल्ड्स इन अबेयंस और अटेम्प्ट्स और कंस्पायर्स टू एब्रोगेट और सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड इन अबेयंस द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज ऑफ फोर्स और शो ऑफ फोर्स और बाय एनी अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मींस शैल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन. एनी पर्सन एडिंग और अबेटिंग और कोलैबोरेटिंग द एक्ट्स मेंशन्ड इन द क्लॉज 1 शैल लाइकवाइज बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन. आर्टिकल 6 का 2A कहता है एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन मेंशन्ड इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 शैल नॉट बी वैलिडेटेड बाय एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. क्लॉज 3 कहता है मजलिस-ए-शूरा यानी पार्लियामेंट शैल बी लॉ शैल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ एनी पर्सन फाउंड गिल्टी फॉर हाई ट्रीजन. अब अपोजिशन ये कहती है कि ट्रीजन लगेगी हुकूमत के ऊपर क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 5 लगाकर ऐसा काम किया है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को आपने तहस नहस कर दिया है, जैसे कागज का टुकड़ा समझते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को आपने फाड़ कर फेंक दिया है. वेयर एज गवर्नमेंट ये कहती है कि क्योंकि आप लोग बैरूनी साजिश के हिसाब से चल रहे हैं, यूएस के डोनाल्ड लू के साजिश के हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत एंड एज अ रिजल्ट स्टेट के खिलाफ, तो इसलिए आप लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा और हाई ट्रीजन आप लोगों पर लगेगी. अब ये जो टग ऑफ वॉर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की टग ऑफ वॉर है, ये तो आने वाले दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्लियर कर देगी. लेकिन यहाँ एक और मामला चल रहा है और वो ये कि क्या अमरीका वाकई में साजिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ. तो एक बात बड़ी वाजी है कि हमारे पास प्रेसिडेंट्स रहे, प्रेसिडेंट्स पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस के रहे हैं और वो इस तरह
हंस रहे हैं कि जब मुशर्रफ का टाइम था तो उस टाइम पे कॉल आई और कहा गया कि अगर आप हम लोगों का साथ नहीं देते इस वॉर ऑन टेरर के अंदर तो वी विल बॉम्ब यू बैक इनटू केव एरा. अब वो स्टोन एज के अंदर अगर हम लोगों को बॉम्ब कर दें तो फिर मुशर्रफ साहब ने जो है वो आफियत इसमें जानी कि यूएस का साथ दे दिया जाए. शायद नॉर्थ कोरिया की तरह अगर डट जाते तो मामला डिफरेंट होते, लेकिन किसी भी तरीके से नॉर्थ कोरिया की एग्जाम्पल लेना दुरुस्त नहीं होगी. एनी हाउ, इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को एक थ्रेट आई, उन्होंने बाकायदा जलसे के अंदर उसको लहराया, उसको दिखाया. और वो जो थ्रेट थी वो भी इस बात की गमाज और अरकाज थी कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर यूएस की इंटरफेरेंस रही है. फिर बिल क्लिंटन साहब की कुछ ख्वाहिशात थी पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, वो भी हम सबको मालूम है. तो इसलिए एक प्रेसिडेंस होने की वजह से पाकिस्तानी अवाम इस नैरेटिव को बाय कर रही है कि गालिबन यूएसए अभी भी हमारी सियासत के अंदर मुदाखलत करके ये चाह रहा है कि हम किसी तरीके से उनके मुताबिक चलें. और क्योंकि उनके पास आर्म ट्विस्ट करने के लिए ज़राए भी हैं, जिसके अंदर IMF भी है, FATF भी है. बहरहाल अभी सूरत हाल इस कदर अजीब व गरीब हो गई है कि दुनिया आपके अगेंस्ट कंस्पायर कर रही है या नहीं, क्योंकि दुनिया भी दो ब्लॉक्स के अंदर बटी हुई है. यूएस कहता है हम कंस्पायर नहीं कर रहे, बड़े क्लियरली उन्होंने बारहा ये बात कही है, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी, व्हाइट हाउस की तरफ से भी. लेकिन रशिया और चाइना, स्पेशली चाइना जो कि इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से कभी कॉमेंट नहीं किया करता, वो कॉमेंट कर रहा है कि यूएस कंस्पिरेसी कर रहा है. रशिया ने भी कॉमेंट कर दिया, रशिया की फॉरन मिनिस्ट्री ने, कि जी जो बेसिकली इमरान खान को पनिशमेंट दी जा रही है बिकॉज ही विजिटेड रशिया, उनके रशिया विजिट करने की वजह से. अब ये जो डायलेमा बना हुआ है पाकिस्तानी अवाम के अंदर कि कोई ऑब्जेक्टिवली सोचने की बजाय कोई कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा है और कोई कैटेगोरिकली उसकी फेवर के अंदर है, कोई शख्स ये सोचने को तैयार नहीं है कि ऑब्जेक्टिवली मामला किस तरफ जाएगा, क्या वाकई में मामलात इतने संजीदा हैं या नहीं हैं, ये तमाम सवालात कोई पूछने को तैयार नहीं है इस मौके के ऊपर. मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल की तरफ ना हम बढ़ पड़े, क्योंकि अपोजिशन भी स्टेप डाउन करने को तैयार नहीं है, हुकूमत भी स्टेप डाउन करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे से बातचीत करने को भी तैयार नहीं है. और ऐसी सूरत हाल के अंदर मामलात जो हैं वो एक दलदल की सी कैफियत बन जाते हैं. इसीलिए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को फौरी तौर पर काम डाउन करने के लिए एक ही तरीका है और वो शायद इलेक्शंस ही हैं. अपोजिशन के मुताबिक इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होने चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, जब तक वो पूरी नहीं होगी तो उसके अलावा कोई तरीका नहीं है इंतखाबात का. बहरहाल हम जिस भी तरीके में जाएँ, अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट वे आउट इलेक्शन ही है. लेकिन देर इज़ अ बेटर टेस्ट जिस तरीके से अपोजिशन का रवैया है एंड गवर्नमेंट का रवैया है, तो ये इंतखाबात, आने वाले इंतखाबात भी बहुत स्मूथ सेल नहीं होंगे. इन इंतखाबात के अंदर भी मामला गड़बड़ होते हुए नज़र आ रहे हैं. मैं आपको गाहे बगाहे रोज़ कोशिश करूँगी, लेकिन अगर रोज़ नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 4 या 5 दिन आपको अपडेट रखूँगी कि पाकिस्तान में सूरत हाल क्या बन रही है और अपना एनालिसिस भी इसके ऊपर देती रहूँगी. आज मैंने कहा बड़े अरसे बाद वीडियो बना रहे हैं, तो जो पार्लियामेंट की मैंने सूरत हाल देखी थी उस पर भी आपको अपडेट कर दूँ. अभी थोड़ी देर में मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी जो मैंने कल सूरत हाल देखी डी चौक पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था, जो जश्न था, उसको बहुत सारे नाम दिए जा रहे हैं, वो उसके क्या हालात थे, फ्रॉम दैट लोकेशन मैंने अपलोड किया था. इसी वीडियो का पार्ट 2 के तौर पे या सेपरेट वीडियो के तौर पे मैं अपलोड करूँगी इन अ वाइल. कीप वॉचिंग अनिका निसार ऑफिशियल चैनल. थैंक यू.